Assalamu everyone, this is Anya Shabir. This is our fourth lecture of uh, statistics and uh, second lecture of normal distribution. In our previous lecture, we have studied um, the normal distribution, its uh, some examples, properties, and normal curve. And in today's lecture, we will discuss applications of normal distribution, importance of normal distribution, and uh, some limitations and examples. फर्स्टली वी विल डिस्कस समीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्टली आई हैव टेकन हाइट हाइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन कैसे है अब आप जैसे देखें कुछ एरियाज होते हैं जैसे पाकिस्तान के आप कह रहे हैं पाकिस्तान में मेल्स जो हैं ट्वेंटी अबव उनकी एवरेज हाइट हमारे पास फाइव पॉइंट सेवन है तो ये एक एवरेज हमारे पास निकल आता है एक नॉर्मल हाइट होती है बहुत कम लोग होते हैं जो उसके uh, अराउंड होंगे फाइव पॉइंट सेवन के अराउंड होंगे। होंगेज कोई फाइव पॉइंट सेवन से थोड़े कम होंगे कोई से थोड़े ज्यादा होंगे बट फाइव पॉइंट सेवन इज एवरेज लाइक मैनी पीपल है ओके नेक्स्ट इज रोलिंग जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास एक फिक्स साम्पस दे सकती है यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं करती है अगर मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ एक टाइप को रोल कर रहा हूँ तो मेरे पास सिक्स सैम्पल सा, पॉइंट्स आएंगे अगर मैं दो को रोल करूँ तो मेरे पास थर्टी सिक्स पॉसिबल चांसेस हैं पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स हैं हमारे पास इसी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जैसे कि हंड्रेड टाइम्स अगर हम डाइस को रोल करें तो हमारे पास वन आने के चांसेस कितने होंगे फिफ्टीन टू एटीन परसेंट और इसी तरह अगर हम थाउजेंड टाइम्स एक डाई को कर रोल करें तो हमारे पास वन आने के चांसेस कितने होंगे सिक्सटीन पॉइंट सेवन और वन आवर सिक्स ओके इसी तरह अगर हम दो डाइस को रोल करें जैसे मैंने अभी बोला तो हमारे पास थर्टी सिक्स पॉसिबल कम्बिनेशन आएंगे तो उसमें से वन आने के चांसेस कितने हैं वन आने के चांसेस थर्टी सिक्स उसमें सिक्स टाइम वन आ सकता है यानी सिक्स ओवर थर्टी सिक्स और इसे हम मज़ीद सिंपलीफाई करें तो वन ओवर सिक्स और परसेंटेज में ले लें तो सिक्सटीन पॉइंट सेवन सो यू कैन सी दैट वी हैव अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ दैट एंड दैट्स वाई इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज शू साइज एज़ पर द डाटा कलेक्टेड इन यू एस फीमेल का जो शू सेल होता है साइज के मुताबिक वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि मोस्टली वीमेन आर हैविंग सेम फिजिक अब हमारे पास जो मैक्सिमम एवरेज हमारे पास सॉरी एवरेज जो सेल होते हैं हमारे पास साइज वो एट है एवरेज सेल होने वाला साइज एट है यानी एवरेज पीपल हैव एट साइज एंड सम कम बिफोर एंड आफ्टर दैट ओके सो इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज काउंटेड एज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद देखिए कुछ और एप्लीकेशन जैसे कि स्टूडेंट एवरेज रिपोर्ट बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड एक बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरेज एक बच्चे की जो नॉर्मल बर्थ बर्थ वेट होता है वो हमारे पास टू टू थ्री के जी होता है ठीक है तो ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इकॉनमी की इकॉनमी में गवर्नमेंट कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिए जो हमारे पास पुअर हैं रिच हैं उनमें सैलरी का कैसे क्लैश आ रहा है पुअर की सैलरी रिच के बराबर है कि नहीं किस तरह इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है टेक्निकल स्टॉक इन मार्केट आई क्यू टेस्ट ऑसिंग अकॉइन इन सब में भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है यानी कि ये सारी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्लीकेशनस हैं उसके बाद द इमोर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पॉर्टेंस क्या है एज वी हैव स्टडीड बिफोर इफ़ यू रिमेंबर माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कंटीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की एक टाइप है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे नेचर में हमारे पास जो कंटिन्यूस डाटा होते हैं और साइकोलॉजी में होते हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए एक बेल शेप्ड ग्राफ बनता है जब उन्हें कंपाइल किया जाता है उसका ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगती है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बेल शेप्ड ग्राफ ओके जैसे कि अगर हम लोग ले लें सौ बंदे हमने ले लिए उनमें अब हमने हाइट का देखना एवरेज हाइट निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी इसी तरह आई क्यू हाइट वेट और ब्लड प्रेशर इन सब के लिए और बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है फिर है लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इसके डिसएडवांटेज क्या है कहाँ जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने से हमें मसला हो सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे हम लोगों ने रेंज पढ़ी थी माइनस इन्फिटी टू पॉज़िटिव इन्फिनी होती है तो इट ये जो है स्टार्ट हमारे पास कहाँ से होती है माइनस इन्फिटी से जब नेगेटिव इन्फिटी से स्टार्ट होती है तो बहुत सारे रिजल्ट जो होते हैं हमारे पास वो नेगेटिव आ जाते हैं और वो हमारे लिए फिर आ, लेकिन हमें उधर जो ज़रूरत होती है वो पॉजिटिव की होती है इसलिए ऐसी कुछ जगहों पे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते ओके देर इज़ एन एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एविये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फोर स्टैंडर्ड एवियेशन यानी कि सिग्मा वो मेरे पास क्या है फोर फाइंड इट्स फोर मोमेंट्स अबाउट द मीन मोमेंट्स अबाउट द मीन हमारे पास क्या होते हैं म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री अपू सो ऑन ओके अब मोमेंट अबाउट जो अबाउट मीन जो होते हैं हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो ओल्ड होते हैं हमारे पास वो सारे जीरो होते हैं यानी म्यू वन म्यू थ्री म्यू फाइव म्यू सेवन

फिर है म्यू फोर म्यू फोर का फार्मूला होता है थ्री म्यू टू का स्केयर यानी कि म्यू टू हमारे पास क्या होता है सिग्मा स्केयर तो जब इसमें सिग्मा स्केर डालें हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री सिग्मा फोर ओके अब इसमें जब हम लोगों ने आ, सिग्मा की वैल्यू पुट की सिग्मा इक्वल टू फोर फोर हमने जब जब सिग्मा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास म्यू फोर हमारे पास आ गया ओके दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मोमेंट्स इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल uh, डिस्ट्रीब्यूशन हम फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं द फार्मूला दैट वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर आई होप अब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफ्रेंश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये तीनों क्या होती हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई थी और इसमें बाकी कुछ हो गए हैं आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा Uh, stay tuned for the next lecture. In the next lecture, we are gonna have some new statistical topics. Stay connected. Press on the bell icon for more updates.